तो 4 बजे तक लास्ट। ओहो अब क्या होगा, फिर से हो गया धोखा भाई साहब, खतरनाक एकदम। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSK26 ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज है वीक ऑफ और वीक ऑफ वाले दिन फिर से आज मोटो ब्लॉगिंग का डे चैलेंज हमारा डे 5 है। तो आज आपको हम लेके जा रहे हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पड़ता है सेंचुरी पार्क, वाइल्ड एनिमल सेंचुरी पार्क जो कि तुगलकाबाद के आसपास पड़ते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, तो आपको दिखाता हूं आज का ब्लॉग। मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आई होप आपको पसंद आएगा, लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, होने वाला है, लेकिन देखते हैं। एंट्री नहीं है, दो बजे के बाद एंट्री नहीं है। हम तो सोचा था 4 बजे तक लास्ट। ओहो अब क्या होगा, फिर से हो गया धोखा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है यार, शिट। अब क्या करेंगे, गेट आपको देखा, मैंने सोचा था 4 बजे तक लास्ट एंट्री होगी, तो बट 2 बजे लास्ट है, आउट टाइम है 4:30 बजे का। बताए अब चलते हैं ऐसे यार, अब देवांश को ले चलते हैं कहीं पे घुमाने के लिए। ओके अब बिठा तो दिया इसको, अब क्या करेंगे। तो गाइस धोखा हो गया यार, मैंने सोचा था कि ये पार्क ओपन होगा 4 बजे लास्ट एंट्री टाइम होगा, या तो 2 बजे का लास्ट एंट्री टाइम था और 4:30 बजे का आने का लास्ट एग्जिट टाइम था। तो कोई बात नहीं, किसी और दिन बनाएंगे इसको, तो कोई बात नहीं, फिर भी ब्लॉग तो बनाना ही है। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग तुगलकाबाद का एक दूसरा पार्क है बच्चों का, वहाँ ले चलते हैं, वो ले चलते हैं देवांश को, थोड़ा सा ये भी खेल लेगा और थोड़ा हम भी दिखा देंगे। यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क है, तो आप लोग भी जा सकते हो वहाँ पे, मस्त प्लान है। तो आसपास में रहते हैं तो आके आप पार्क में विजिट कर सकते हैं। वैसे ये वाइल्ड पार्क था, ज़बरदस्त है यार ये पूरा गेट, जो आपको एंट्री दिख रही है ना, यहाँ से दीवार जो दिख रही है सारी सीखी है। आज है डेली मोटो ब्लॉगिंग चैलेंज जो मैंने लिया हुआ है उसका 6ठा दिन। तो लास्ट वाली वीडियो आपको अगर देखने मिली होगी, देखी होगी, तो जाके चेकआउट करना, अदरवाइज इससे पहले की वीडियो है तो प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है डेली मोटो ब्लॉगिंग चैलेंज। तो आप लोगों को भी जो ब्लॉगिंग करता है, जो मोटो ब्लॉगिंग करता है और ऑफिस में जॉब भी करता है भाई, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्चुअली किस तरीके से टाइम मैनेज होता है, किस तरीके से हम वीडियोस बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, आज किला दिखाते हैं आपको तुगलकाबाद का, है ना। तो गाइस ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, आप राजा का नाम अपने हिस्ट्री किसी ने पढ़ी होगी तो उसकी हिस्ट्री में हो गए। तो ये किले का गेट है सामने, आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे ना वीडियो बनाना ये कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, बट ये टूटा फूटा किला है, इन्होंने गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा इसको रिपेयर करके थोड़ा ठीक ठाक किया है, तो भी मना कर रहा था मेरे को कैमरा ले जाने में, बट गोप्रो मेरे इसमें लगा हुआ है, बंद है। बाकी दिखाते हैं आपको यहाँ का सीन शॉट। हम लोग पहुँच गए गेट पे किले के, तो मेरे पीछे दिख रही है वो एंट्री है, अंदर जाके आने वाला है मज़ा तगड़ा वाला। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी तुगलकाबाद किले के अंदर, ये टूटी फूटी दीवारें देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी यार एक इतिहास ही है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तुगलकाबाद किले के अंदर यार, ये 1321 में मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक संतलत के अंदर ये किला आता था, जिसकी कीमत तकरीबन 4100 करोड़। तो ये आप देखेंगे तो अरावली की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ एक शानदार किला है, इसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 110 प्रवेश द्वार हैं पूरे किले में। तो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, एक बार थोड़ा विजिट कराता हूँ, ज़्यादा हिस्ट्री तो मेरे को मालूम नहीं है, बट मुग़ल संतलत के दौरान जब खिलजी शासक था यहाँ का दिल्ली में, जब खिलजी करता था राज, तो खिलजी को खदेड़ के
तुगलक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, तो उसने यहाँ पे अपना ना शासन जमाया था। तो ये मेहरौली रोड में पड़ता है, बद्रपुर से मेहरौली रोड में। तो यहाँ घूमने के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे सारा गांव है और बीच में किला है जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। बट हाँ, थोड़ा सा पीसफुल एरिया है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं है। तो कुछ पुरानी चीज़ें बची हुई है वो आप देख सकते हो, जैसे टूटे फूटे किले। और देखो ये, वो देखो जहाँ कैदियों को रखा जाता था, ये भी भयंकर एरिया है। यहाँ जाके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ रखा जाता था कैदियों को इनके, भाई साहब खतरनाक एकदम। और फिर यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता है, फिर यहाँ से पहरेदारी करते होंगे लोग। बहुत लंबा एरिया है यार, ये तो काफी बड़ा है भाई, डर से भी लग रहा है। आ रही हो? आ जाओ आ जाओ। तो ये है दोस्तों तुगलकाबाद का किला, और इस किले के अंदर तमाम रूम्स भी है। यहाँ देखो देखो, बहुत डरावना एरिया है यार। अभी वहां से निकलेगा ऊपर, कमरे हैं हर जगह पे, देखो दिख रहे? मैंने भी काउंट नहीं करे कितने होंगे। हाँ तो गाइस, मैंने काउंट तो नहीं करे, बट आप बताना आपने काउंटिंग करी तो कितने हैं। तो ये एरिया ओपन है, बट यार मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना अकेले आने जैसा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो है बट अनसेफ प्लेस है। किले की दीवार है जो मुख्य दीवार है, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ पे ये किले की मुख्य दीवार है। एक ऊपर जो टॉप है व्यू पॉइंट, वहाँ पे जाते हैं, वो दिखाते, फिर चलते हैं देवांश को ले चलते हैं पार्क की तरफ उसके खेलने के लिए। लेके ठीक पीछे साइड आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा तुगलकाबाद का गांव है, जो कि पूरा किले का एरिया था किसी टाइम पे, अब लोगों ने वहाँ रहना चालू कर दिया। अभी यहाँ से चल रहे हैं, फाइनली थोड़ा बहुत जो था इसमें इंटरेस्टेड तो वो दिखा दिया, और तो कुछ नहीं है। बाकी निकलते हैं थोड़ा देवांश को पार्क की सैर कराते यार, उसको भी लेके जाते थोड़ा सा खेले पार्क। तो मिलते हैं सीधे देवांश के पार्क में। पड़ता है ये भी किले का ही एक एरिया था जहाँ पे अभी स्कूल बन चुका है, सामने मेरे लैपटॉप। ये लेफ्ट साइड में पूरा ये है इसका खेलने वाला अड्डा। अभी पार्क में और देवांश को लेके, थोड़ी देर देवांश को खिलाते हैं फिर चलते हैं घर को। आई होप आपको ये जगह अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छा पार्क है यार, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों ओर। और दिल्ली में ऐसी भी जगह हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया वैसे जगह जगह पर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मस्त है यार बच्चों के लिए खेलने के लिए। चल इधर से आओ, चलो 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 वहां से चलो 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 चलो। ओए भाग जा। चलो 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 भागो भागो भागो, आ जाओ आ जाओ नीचे को आ जाओ, चलो आओ नीचे को।
बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है यार। तो मैं लेके आया था देवांश को यहाँ पे खिलाने के लिए, अभी वो खेल रहा था मस्त होके, अभी चले गए साइड में। हेलो, तो गाइज अभी फाइनली यार हम लोग निकल रहे हैं घर को और खेलना खुलना हो गया, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया है तो भाई को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना भाई, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।